देखिए यहाँ पर एक चैप्टर है और इसका नाम है बर्थ। बर्थ को लिखा है एजे क्रॉनिन ने। अब एजे क्रॉनिन कौन थे पहले इनके बारे में देखते हैं। तो एजे क्रॉनिन वाज बॉर्न ऑन 19 जुलाई 1896 इन कार्डरोस, यूके। अब देखिए एजे क्रॉनिन का जन्म यूके मतलब इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम में कार्डरोस शहर में हुआ था, और वो भी 19 जुलाई 1896 ईस्वी को। ही वाज अ नॉबलिस्ट एंड अ फिजिशियन। ये एक नॉबलिस्ट थे, उपन्यासकार थे और एक फिजिशियन थे। अब आगे देखिए, यहाँ द सिटाडेल विच वॉज रिटन अबाउट अ स्कॉटिश डॉक्टर, मतलब इनका एक वर्क है सिटाडेल। इसमें इस वर्क में इन्होंने एक स्कॉटिश स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर के बारे में लिखा है। वाज हिज बेस्ट नॉवेल, इनका बेस्ट नॉवेल है और जिसका नाम है द सिटाडेल। ओके। ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट लाइफ, अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान या अपने स्टूडेंट लाइफ के ड्यूरिंग ही वाज अवार्डेड मेनी टाइम्स, इनको कई बार पुरस्कृत किया गया, कई बार इनको इनाम मिला। ही हैड बीन द बेस्ट फुटबॉलर एंड एथलीट। और ये जो हैड बीन मतलब रहे हैं, द बेस्ट फुटबॉलर, एक अच्छे फुटबॉलर, फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर और एक एथलीट रहे हैं अपनी लाइफ काल में, है ना, लाइफ स्पेन में, लाइफ ड्यूरेशन में। ही वाज एन एसेस्ट, ये निबंधकार भी थे एंड शॉर्ट राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर आल्सो, और छोटी मोटी कहानियां भी लिखने के लिए ये प्रसिद्ध थे। मतलब ये जो है लाइफ टाइम एक फुटबॉलर थे, इसके साथ एक एथलीट थे। एथलीट का मतलब खिलाड़ी होता है। ओके। और इसके बाद में वाज एन एसेस्ट, और ये एक प्रकार के एसेस्ट थे, निबंधकार थे और जो है छोटी छोटी कहानियों को लिखने वाले या लिखा भी करते थे। ओके। अब यहां पर देखिए बर्थ क्या है। अब देखिए अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में क्या है। बर्थ इज अ सीरियस एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। बर्थ एक प्रकार की गंभीर और जो है इंस्पिरेशन देने वाली स्टोरी है ऑफ अ हाउ यंग डॉक्टर, जिसमें ये बताता है कि किस प्रकार से एक यंग डॉक्टर ने, एक नवयुवक डॉक्टर ने रिवाइव्स मतलब जीवित कर देता है या जीवित कर दिया और रिस्टोर्स टू लाइफ अ न्यू बॉर्न बेबी, एक नए जन्मे बच्चे के अंदर किस प्रकार एक यंग डॉक्टर ने उसके अंदर एक लाइफ को क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया, मतलब उसको फिर से जीवित कर दिया, किस प्रकार से एक डॉक्टर के संघर्ष को दिखाया गया यहां पर। द टाइटल वन इज प्लेस, ओ सॉरी, द लिटिल वन इज प्लेस्ड अंडर द बेड बाय द मिड वाइफ। ये जो छोटा सा बच्चा था ये बेड के नीचे चला गया था और बाय द मिडवाइफ के कारण, मिडवाइफ के द्वारा, बिकॉज क्योंकि एज सी डिक्लेयर्स, जब वो मिडवाइफ का मतलब होगा दाई जो होती है आधी माई, इसीलिए नाम रखा गया मिडवाइफ, पूरी वाइफ नहीं लेकिन मिडवाइफ जो बच्चे की परवरिश करती है। ओके। एज सी डिक्लेयर्स, और जैसा कि वो डिक्लेयर करती है, जैसा कि वो बताती है, इट इज स्टिल बॉर्न, कि अभी ही जो है पैदा हुआ है। बट एन ऑनेस्ट डॉक्टर रिफ्यूजेस टू हीड द रिमार्क ऑफ द मिडवाइफ, लेकिन एक ईमानदार डॉक्टर उस मिडवाइफ की इस तरह से बातों को हीड नहीं करेगा, यानी कि ध्यान देने से, सुनने से मना कर देता है। एनीवे, खैर, बीइंग ही इज शॉक्ड, वो बहुत ज्यादा मतलब बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होने की वजह से एंड डेडिकेटेड टू हिज प्रोफेशन, और अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पित, समर्पण भाव के कारण एंड्रयू फर्स्ट ब्रिंग्स द बेबी आउट इन द वर्ल्ड। एंड्रयू जो है सबसे पहले उस बेबी को, है ना, संसार में लाता है। बट ही इज शॉक्ड, लेकिन वो और ज्यादा शॉक्ड तब हो जाता है, और ज्यादा अचंभित तब हो जाता है, टू सी, ये देख कर द मदर कोलैप्सिंग एंड चाइल्ड लाइफलेस, की जो मदर है वो उसको कोलैप्सिंग कर रही है ना, कोलैप्स का मतलब एक तरह से उसको दबा रही है, जैसे दो चार फोटो, फोटो का भी कोलैप्स होता है ना, चार पांच को एक जगह रखा जाता है ना, एंड चाइल्ड लाइफलेस, और इससे बच्चा क्या हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है, मतलब उसमें लाइफ नहीं रह जाती है।
है ना, जैसे उसने वो ये देखकर बहुत ज्यादा शौक रह जाता है कि उसकी माँ जो है उसको क्या कर रही है, कोलैप्स मारने का प्रयास कर रही है, उसको दबा रही है, और इस प्रकार वो बच्चा क्या हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है, उसमें जान नहीं रहती है। अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या बताया गया है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिफोर यू रीड, इस चीज को पढ़ने से पहले, इन दिस एक्सेप्ट फ्रॉम द सिटाडेल, मतलब ये जो पोर्शन है जिसका नाम है बर्थ, ये सिटाडेल वर्क से लिया गया, इनका जो फेमस नॉवेल है एंड्रयू मैनसन, इसमें एंड्रयू मैनसन है, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, है ना, ये मेडिकल स्कूल से निकले हुए हैं अभी हाल फिलहाल, हैज जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस, और ये मेडिकल स्कूल से अपनी स्कूलिंग करके, है ना, पास हो करके ये मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिस मतलब डॉक्टरी, डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट, वो भी एक असिस्टेंट के रूप में, टू डॉक्टर एडवर्ड पेज, और किसके साथ, ये किसके, किन डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, डॉक्टर एडवर्ड पेज के साथ मिलकर, इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ द ब्लिनली, है ना, ये ब्लिनली के जो माइनिंग टाउन्स हैं उसमें एक बेल्स शहर है, वहां पर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टाइन, और जब वो लौट रहे होते हैं बहुत निराशजनक शाम के साथ, मतलब शाम के समय लौट रहे हैं, तब ये काफी डिसअपॉइंट निराश होते हैं, और विद क्रिस्टाइन, और ये किसके साथ होते हैं, क्रिस्टाइन के साथ, अब ये करेक्टर है द गर्ल क्रिस्टाइन, ऐसी लड़की है, ही लव्स, जिसको प्यार करते हैं, और जब वो उसके साथ शाम के समय लौट रहे होते हैं तब ही इज मेड, तब उनकी मुलाकात होती है बाई जो मार्गन, जो मार्गन से इनकी मुलाकात हो जाती है, जो एंड हिज वाइफ, जो और उनकी पत्नी, हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 इयर्स, और जिनको शादी किए हुए लगभग जो है 20 साल बीत चुके थे, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, अब वो दोनों जो हैं पहले चाइल्ड की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब जो है मुझे बेबी होने वाला है, जैसे 20 साल में फर्स्ट टाइम में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके बारे में जो बाकी टेक्स्ट वाइज कहानी है। अब देखिए, यद्यपि आधी रात हो चुकी थी जब एंड्रयू ब्रिन गोवर पहुंचा, मतलब ये पूरी कहानी अब विस्तार से बताई जा रही है ना, आधी यद्यपि आधी रात हो चुकी थी जब एंड्रयू ब्रिन गोवर पहुंचा, उसने जो मार्गन को अपनी प्रतीक्षा करते पाया, वह छोटे छोटे कदमों से आगे पीछे उस रास्ते पर टहल रहा था जो उसके दवाखाने तथा घर के प्रवेश द्वार के बीच में था। उसे देखकर उस भारी भरकम व्यक्ति के चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी। देखिए, कोई भी कहानी बीच से ही शुरू होती है, वो शुरुआत या तो शुरुआत से ही समझ में आती है, या शुरुआत में कुछ उलझी पुलझी लगती है ना, बाद में समझ में आती है, हाँ ये था। अब डॉक्टर, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूं, मैं 1 घंटे से यहां चहल कदमी कर रहा हूं, मेरी पत्नी को तुम्हारी जरूरत है, समय से पूर्व प्रसव होने वाला है। एंड्रयू को अचानक अपने प्रेम संबंध की याद आ गई और उसने मार्गन को प्रतीक्षा करने को बोला। वह घर के अंदर अपना बैग लेने गया, फिर दोनों ही गली नंबर 12 ब्लेना टेरेस के लिए चल दिए। रात की हवा ठंडी और शांतिपूर्ण थी, आमतौर से जो इतना सचेत रहता था वही एंड्रयू अब सुस्त हो गया था। उसे कोई पूर्वाभास न था कि उस रात को मिली यह कॉल असाधारण बन जाएगी और उसके संपूर्ण भविष्य को प्रभावित कर देगी। दोनों व्यक्ति चुपचाप चलते रहे और 12 नंबर दरवाजे पर पहुंच गए, फिर जो वहीं रुक गया, अब जो नाम है, फिर जो वहीं रुक गया। मैं नहीं आऊंगा, वह बोला और उसकी आवाज में थकान थी, पर मैं जानता हूं तुम सही काम कर लोगी। अंदर एक संकरा जीना एक छोटे बेडरूम को ले जाता था, कमरा साफ सुथरा था पर उसका सामान बहुत कम या घटिया था।
और केवल एक तेल का लैंप वहां जल रहा था। यहां मिसेज मार्गन की मां एक लंबी सफेद केस वाली 70 वर्षीय महिला और एक पुष्ट बड़ी आयु की दाई मरीज के बगल में प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने एंड्रयू के चेहरे के भाव देखे। मैं आपके लिए एक चाय बनाती हूं डॉक्टर, कुछ समय बाद वृद्ध महिला बोली। एंड्रयू हल्का सा मुस्कुराया। उसने देखा कि वृद्ध महिला, जिसको अनुभव का ज्ञान था, समझ रही थी कि अभी बच्चा आने में कुछ समय लगेगा। उसे भय था कि डॉक्टर केस छोड़कर चला जाएगा, यह कह जाएगा कि कुछ समय बाद आ जाऊंगा। घबराओ मत माँ जी, मैं भागूंगा नहीं। जैसे माँ ने पहले दिमाग लगाया, डॉक्टर बैठो हम चाय लाते हैं ताकि तुम भागने ना पाओ, है ना। अक्सर डॉक्टर लोग का यही रहता, भैया अभी आते हैं। आगे देखिए, नीचे किचन में उसने चाय पी जो महिला ने बनाकर दी। बहुत थका तो वह था ही, वह जानता था कि यदि वह घर गया भी तो 1 घंटे सो भी नहीं पाएगा। वह यह भी जानता था कि इस केस को पूरी देखभाल की जरूरत है। एक विचित्र आलस्य ने उसे घेर लिया। उसने सोच लिया कि केस के निपटने तक यही बना रहेगा, मतलब यही रुका रहेगा। अब आगे क्या है, 1 घंटा है ना। 1 घंटे पश्चात वह पुनः ऊपर गया। उसने केस की प्रगति देखी, नीचे लौट आया और रसोई की आग के पास बैठ गया। सब कुछ शांतिपूर्ण था, केवल अंगीठी की आग और दीवार पर लटकी घड़ी कुछ आवाज कर रही थी। नहीं, एक आवाज और भी थी, मार्गन के पैरों की आवाज, जब वह बाहर सड़क पर आगे पीछे घूम रहा था। सामने बैठी वृद्ध महिला ने काले वस्त्र पहन रखे थे। वह निश्चल थी, उसकी आंखें विचित्र प्रकार से सजीव और बुद्धिमानी पूर्ण थी। खोज करती हुई उसके चेहरे से ना हटती हुई, डॉक्टर के विचार भारी और गड़बड़ी वाले थे। जो घटना उसने कार्डिफ स्टेशन पर देखी थी, वह अभी भी उसे बुरी तरह से साल रही थी, मतलब एक तरह से दिमाग में आ रही थी, उसको परेशान कर रही थी। उसे ब्रैमवेल का ध्यान आया, जो मूर्खों जैसी एक महिला का दीवाना था। महिला ने उसे गंदे तरीके से धोखा दे दिया था। एडवर्ड पेज, जो ब्लड वेन जैसी कर्कस महिला से बंधा हुआ था। डेनी, जो अपनी पत्नी से अलग दुखी जीवन बिता रहा था। उसकी बुद्धि ने उसे बताया कि ये सभी विवाह असफल रहे थे। यह निष्कर्ष उसे इस वर्तमान स्थिति में ठेस लगा रहा था। उसकी बुद्धि ने उसे बताया, यह निष्कर्ष उसे इस वर्तमान स्थिति में ठेस लगा और चौंका रहा था। वह चाहता था कि विवाह को वह आनंददायक, रमणीय और काव्यात्मक समझे। हाँ, अन्यथा वह क्रिस्टीन की स्थिति को देखकर ऐसा नहीं सोच सकता था। उसकी चमकती आंखें उसे यही निष्कर्ष निकालने को विवश कर रही थीं। उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा था। उसके संदेह युक्त दिमाग और सराबोर हृदय के बीच, जिसके कारण वह इतना खिन्न और संभ्रमित हो रहा था, उसने अपनी ढोंढ़ी अपनी छाती पर टिका दी, अपनी टांगे फैला ली और विचार मग्न होकर आग को देखता रहा। वह इतने समय तक इस स्थिति में बना रहा और उसके विचार में क्रिस्टीन ऐसी छाई रही कि जब वृद्ध महिला ने अचानक उसे पुकारा तो वह चौंक गया। उसका चिंतन दूसरी दिशा में चल रहा था। सूसन ने बोला था कि उसे बेहोशी की दवा ना सुंघाई जाए, यदि उससे बच्चे को कोई हानि पहुंचने का भय हो। डॉक्टर, उसकी बूढ़ी आंखों में एक अचानक आए विचार से चमक आ गई। उसने मंद स्वर में कहा, हम सभी ऐसे हैं।
डॉक्टर ने स्वयं को साफ प्रयास संभाला। क्लोरोफार्म कोई नुकसान नहीं करेगा, डॉक्टर बोला, सब ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, ऊपर से नर्स की आवाज आई, वह बुला रही थी। एंड्रयू ने घड़ी देखी, अब 3:30 बज रहे थे। वह उठा और बेडरूम में गया। उसने देखा कि अब वह काम शुरू कर सकता है। 1 घंटा बीत गया, लंबा कठोर संघर्ष था। फिर जब प्रातः की पहली प्रभा पर्दे के किनारे से अंदर आई तो बच्चे ने जन्म ले लिया, पर वह निर्जीव था। जन्म तो ले लिया लेकिन वो कैसा था? निर्जीव था, उसमें जान नहीं थी। जब उसने निर्जीव आकृति को देखा तो उसके शरीर में भय की कंपकपी होने लगी। यह फल होगा उसके सारे वायदों का? उसका चेहरा, जो उसके परिश्रम के कारण गर्म हो गया था, सहसा ठंडा पड़ गया। वह अनिश्चय की स्थिति में आ गया। एक ओर तो बच्चे को सांस देकर जीवित करने की इच्छा और दूसरी ओर मां के प्रति उसका कर्तव्य, जो स्वयं भी नाजुक स्थिति में था। उसका द्वंद इतना तीव्र था कि उसने इसे हल करने पर विचार नहीं किया। स्वाभाविक रूप से बिना सोचे विचारे उसने बच्चे को तो नर्स को पकड़ा दिया और अपना ध्यान सुसन मार्गन की ओर लगाया, जो अब बेहोश सी हो गई थी। उसकी नब्ज लगभग खो गई थी तथा वह बेहोशी की दवा के असर में थी, करवट लेकर लेटी थी। उसके पास समय की कमी थी, उसे तो मां की गिरती स्थिति को संभालना अत्यावश्यक था। उसने एक सीसी को झट से तोड़ा और उसका इंजेक्शन दे दिया। फिर उसने सिरिंज फेंकी और शिथिल सुसन को होश में लाने में लग गया। कुछ मिनट के अनथक प्रयास से सुसन का दिल कुछ मजबूत हो गया। डॉक्टर ने देखा कि वह अब मां को कुछ देर के लिए छोड़ सकता है। वह घूमा, वह कमीज पहने था, उसके बाल भीगी बाहों पर चिपके हुए थे। बच्चा कहाँ है? दाई भयभीत हो गई, उसने तो बच्चे को बिस्तर के नीचे रख दिया था। क्षण भर के लिए एंड्रयू झुका, उसने पलंग के नीचे पड़े गंदे अखबारों में बच्चे को खोजा, उसे बाहर निकाल लिया। लड़का था, बिल्कुल सही बनावट थी, शिथिल गर्म शरीर सफेद तथा चर्बी की तरह मुलायम हो गया था। नाल जिसे जल्दी से काट दिया गया था, टूटे तने की भांति पड़ी थी। बच्चे की त्वचा चिकनी तथा कोमल थी, उसका सर उसकी पतली गर्दन पर झूल रहा था, हाथ पांव में जैसे हड्डी ही नहीं थी। अभी भी झुके हुए एंड्रयू ने बच्चे को गौर से देखा। उसके शरीर की सफेदी का एक ही अर्थ था कि उसकी सांस घुट गई थी और उसके दिमाग में जो अस्वाभाविक रूप से तनाव ग्रस्त हो गया था, एक केस का ध्यान आया जिसे उसने समारी टन में देखा था और जो उपचार प्रयोग में लाया गया था। तुरंत वह खड़ा हो गया। कुछ गर्म तथा कुछ ठंडा पानी लाओ, उसने नर्स को बोला, और तसले भी जल्दी करो। पर डॉक्टर, वह हकलाई, उसकी आंखें बच्चे के पीले बियॉन्ड शरीर पर टिकी थी। जल्दी करो, डॉक्टर चिल्लाया। एक कंबल पर उसने बच्चे को लिटा दिया और उसे मुंह से सांस देने की विशेष प्रक्रिया शुरू कर दी। तसले आ गए, लोहे की केतली आ गई। तेज गति से डॉक्टर ने ठंडा पानी एक तसले में उड़ेला और दूसरे में पानी को उतना ही गर्म रखा जितना हाथ सहले। फिर किसी सनकी जादूगर की भांति उसने बच्चे को कभी ठंडे पानी में और कभी गर्म पानी में डाला, बर्फ जैसा ठंडे पानी में और फिर भाप उड़ते गर्म जल में। 15 मिनट गुजर गए, पसीना अब एंड्रयू की आंखों के अंदर जा रहा था। वह देख नहीं पा रहा था, उसकी कमीज की एक बांह नीचे लटकी थी, उसमें से बूंदें टपक रही थी, उसकी सांस हांफते हुए आ जा रही थी, पर बच्चे के ढीले शरीर में कोई सांस आ जा नहीं रही थी।
डॉक्टर के मन में पराजय की भावना जोर मार रही थी, निराशा फैल रही थी। दाई की निगाह उस पर विस्मय तथा भयाकुलता से गड़ी थी, जबकि उधर दीवार से सटी जहां वह सारा समय रही थी, उसका हाथ अपने गले पर था। वह बोल कुछ भी नहीं रही थी, पर उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह वृद्ध महिला थी। डॉक्टर को याद आया कि वह वृद्धा किस प्रकार से नाती की कामना कर रही थी, उतनी ही तीव्रता से जितनी उसकी बेटी इस बच्चे के लिए बेचैन थी। सब कुछ धूल में मिल गया, व्यर्थ गया, ला इलाज हो गया। फर्श पर चीजें उलट पुलट बिखरी थी। एक तौलिए के ऊपर लड़खड़ाते हुए एंड्रयू ने लगभग बच्चे को गिरा दिया। बच्चा जो उसके हाथ में अब गीला और फिसलन वाला हो गया था, कोई जैसे कोई विचित्र सफेद मछली हो। आगे देखिएगा, परमात्मा के लिए डॉक्टर, दाई दबी जुबान में बोली, यह तो मृत ही जन्मा है। मतलब दाई क्या बोल रही, परमात्मा के लिए अब छोड़ दो, ये तो मृत ही जन्मा है। एंड्रयू ने उसकी बात अनसुनी कर दी, डॉक्टर ने ऐसा अनसुनी कर दिया। पराजित, निराश तथा आधे घंटे से व्यर्थ ही परिश्रम करते हुए डॉक्टर अभी भी एक अंतिम प्रयास करता रहा। उसने बच्चे को खुरदरे तौलिए से रगड़कर पोछा, उसकी छाती को अपने दोनों हाथों से दबाया तथा ऊपर उठने दिया। वह शिथिल पड़े शरीर में सांस वापस लाने के लिए बहुत प्रयास किया और तभी एक चमत्कार हुआ। वह छोटी सी छाती जिसे वह अपने हाथों में लिए था, उसमें एक छोटी धड़कन आ गई और फिर दूसरी और फिर तीसरी। एंड्रयू को चक्कर आ गया। जीवन का एहसास जो उसकी अंगुलियों के नीचे हो रहा था, इतने प्रयास के बाद वह इतना सुंदर था कि उसे मूर्छा सी हो गई। उसने अपने प्रयास और तेजी से शुरू कर दिए। बच्चा अब हांफने लगा था। गहराई से थूक का एक बुलबुला उसके एक नथुने से आया, एक खुशी भरा चमकदार बुलबुला। उसके अंग प्रत्यंग अब हड्डी रहित नहीं थे, उसका सर अब शिथिल होकर लटक नहीं रहा था, सफेद पड़ी त्वचा अब गुलाबी हो चली थी। फिर उत्कृष्ट रूप से बच्चे ने चीख मारी, हे परमात्मा, नर्स रोने लगी, यह तो जीवित हो गया है। एंड्रयू ने बच्चे को नर्स को दे दिया। उसे कमजोरी लग रही थी, उसके चारों ओर कमरा सामान से बिखरा पड़ा था, कंबल, तौलिए, तसले, गंदे औजार, सिरिंज जिसकी नोक लिनोलियम में धंसी थी, घड़ा लुढ़का हुआ था, केतली पानी में लुढ़की पड़ी थी, बिस्तर पर मां बेहोशी की दवा के असर से बाहर निकल रही थी। वृद्ध महिला अभी भी दीवार से पीठ लगाए खड़ी थी, पर उसके हाथ जुड़े हुए थे, उसके होठ बिना स्वर से हिल रहे थे। वह परमात्मा को याद कर रही थी। यंत्रवत एंड्रयू ने अपनी कमीज की बाजू खोल दी, अपनी जैकेट पहन ली। मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा नर्स। आगे देखिए, वह सीढ़ी से नीचे उतर गया, किचन के बीच से प्रक्षालन कक्ष में गया। उसके होठ सूख गए थे। उस कक्ष में उसने पानी पिया। उसने अपना हैट और कोट उठाए। बाहर उसने जो को फुटपाथ पर तनावग्रस्त और उत्सुक चेहरे के साथ खड़ा पाया। यह सब ठीक हो गया जो, वह भारी स्वर में बोला, दोनों ठीक हैं। अब प्रकाश फैल गया था। लगभग 5 बज रहे थे। कुछ खनिज सड़कों पर आ चुके थे। रात पारी की पहली शिफ्ट के हुए लोग बाहर निकले थे। जैसे एंड्रयू उनके साथ चला, थका और मंद गत उसके पैरों की आवाज अन्य लोगों की पदचाप के साथ गूंज रही थी। वह सोच रहा था, उसने ब्लेनली में जो पहले जो कुछ किया था वह भूल चुका था। मैंने कुछ तो किया परमात्मा, मैंने अंततः कुछ वास्तविक काम कर लिया। ओके okay?